हमीरपुर के सरकारी स्कूलों के खेल मैदानों के दिन बहुरने वाले हैं। सरकार ने इन खेल मैदानों को चकाचक करने और इन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 50 लाख रुपए की राशि जारी की है। ये राशि हमीरपुर के 5 सरकारी स्कूलों के खेल मैदानों पर खर्च होगी। हमीरपुर के 5 सरकारी स्कूलों के खेल मैदानों को चकाचक करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इन स्कूलों में भोरंज विधानसभा क्षेत्र से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोहंच, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुग्घा और नादौन विधानसभा क्षेत्र से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौना करौर शामिल है। सभी स्कूलों के खेल मैदानों पर 10-10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं भोरंज विधानसभा क्षेत्र से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगवाड़ा और बड़सर विधानसभा क्षेत्र से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलेहड़ा के खेल मैदान के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि स्वीकृति के लिए भेजी गई है। इस राशि से स्कूलों के खेल मैदानों में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, रिटेनिंग वॉल और मैदान के चारों ओर सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की खेल मैदान विकास योजना के अंतर्गत युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा इस वर्ष 50 लाख रुपए जिला मीरपुर में व्यय किए जा रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोहंच के लिए 10 लाख रुपए की राशि PWD को दे दी गई है। उसके बाद स्वीकृति गवर्नमेंट नादौन विधानसभा क्षेत्र से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौना ग्रेड के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुग्गा के खेल मैदान के विकास के लिए 10 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र बिजड़ से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुलेड़ा का केस जो है वो स्वीकृति के लिए भेजा गया है तथा भोरन विधानसभा क्षेत्र से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगवाड़ा का जो केस है वो स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि बीते वर्ष जिला के 12 सरकारी स्कूलों के खेल मैदान पर 1-1 लाख रुपया खर्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।